अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है चिकन टिक्का बिरयानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में जो बेल आइकन है इसको क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी आने वाली का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आइए अब हम अपनी चिकन टिक्का बिरयानी तैयार करते हैं। चिकन लिए मैंने 1 kg। आप देख सकते हैं कि चिकन में मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। 1 cup मैंने दही ली है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ऑयल लिया मैंने 5 tablespoon। और ये मसाले हैं, 2 teaspoon मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 2 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला और 2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक आप हसब ज़रूरत लेंगे। ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 teaspoon। लेमन है 1। थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है और थोड़ा सा मैंने टार्टरी ली है यानी सिट्रिक एसिड थोड़ी सी ली है, ये ऑप्शनल है। अब आइए हम सारे मसालों को एक साथ चिकन में शामिल कर देते हैं। लेमन डालते हैं, मिर्चों को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम अच्छी तरह अपने हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल हम डाल चुके हैं, वो कैमरे ने शूट नहीं किया। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे 4 से 5 घंटे या फिर आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। चिकन को हमारे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसको फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। पैन हमारा प्रीहीटेड है, इसमें हम चिकन शामिल करते हैं एक एक करके। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो है। अब जो आखिर में हमारा मसाला बच जाएगा इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। एक साइड चिकन की हमारी रेडी हो चुकी है, तब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे एक एक करके। चिकन टिक्का हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसमें चारकोल स्मोक देंगे और 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे प्याज। ये मैंने 3 दरमियानी साइज की प्याज ली थी, इसको मैंने ऐसे कट करके रख लिया है। 4 टमाटर लिए मैंने बड़े साइज के, इसको मैंने ऐसे गोल गोल काट लिया है। 4 टेबल स्पून हम ऑयल ले लेंगे। अदरक लिए मैंने 2 इंच, इसको मैंने ऐसे काट लिया है। 4 हरी मिर्चें और 1 सिनेमन स्टिक, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, आप कोई सा भी ले सकते हैं, बाजार का भी ले सकते हैं, 1 teaspoon लाल मिर्चों का पाउडर, नमक हसब ज़रूरत। बचा हुआ ये टिक्का मसाला है, इसको हम बिरयानी का मसाला बनाते हुए इस्तेमाल करेंगे। 1 kg मैंने राइस लिए थे, इनको मैंने अच्छी तरह धो के बॉईल कर लिया। बॉईल करते वक्त मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, 1 सिनेमन स्टिक और 1 बे लीफ और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करके रख दिया था। मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम अदरक, हरी मिर्चें, दालचीनी का टुकड़ा डाल के 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे।
हरी मिर्चें फ्राई होने के बाद हम इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी लाल हो गई है तो अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और कवर करके इसको कुक करेंगे जब तक टमाटर हमारे नरम नहीं हो जाते। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारे मसाले इसमें डाल देंगे। मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपना तिक्का मसाला भी शामिल कर देंगे और इन सब को एक साथ अच्छी तरह से पका लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है, तो अब हम इसमें चिकन टिक्का शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, मसाला हमारा तैयार है। बिरयानी के अब हम तेल लगाएंगे तो सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है, आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम पहली लेयर चावलों की लगाएंगे, इसके बाद हम चिकन टिक्का अपना शामिल करेंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे चावलों के ऊपर। अब हम दूसरी लेयर चावलों की लगाएंगे और यही हमारी फाइनल लेयर है, अच्छी तरह से फैला देंगे। ऑयल डाला है मैंने 1 टेबलस्पून, कलर डालेंगे थोड़ा सा, हरा धनिया डालेंगे, थोड़े से टमाटर डालेंगे गोल काट के, लेमन कट करके डालेंगे, 2-3 हरी मिर्चें डालेंगे और चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। कवर करके 5 मिनट दम पे रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, स्टीम आ चुकी है, बिरयानी भी हमारी तैयार हो गई। बिरयानी को हम सर्व कर लेते हैं, गार्निश करेंगे प्याज से, लेमन से। आप देख सकते हैं हमारी चिकन टिक्का बिरयानी तैयार है। मेरी इस रेसिपी से आप चिकन टिक्का बिरयानी ज़रूर तैयार कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।